हेलो फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और हम इसमें कवर करने वाले हैं पाँच हज़ार से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में चलिए टाइम को यूटिलाइज करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं चासर रोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट्स ऑप्शन ए नॉर्दर्न इंग्लिश ऑप्शन बी ईस्ट मिडलैंड ऑप्शन सी वेस्ट मिडलैंड या साउथ यस टर्न इन फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से करेक्ट करिए ईस्ट मिडलैंड इज द करेक्ट आंसर चासर रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट्स यानी चासर ने किस डायलेक्ट में लिखा था डायलेक्ट मीन्स लोकल लैंग्वेज चासर ने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था ईस्ट मिडलैंड यूज़ किया था उन्होंने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चासर वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ थर्टीन सेंचुरी फोर्टीन सेंचुरी फिफ्टीन सेंचुरी या ट्वेल्थ नाइट चासर वॉज ए पोएट ऑफ विच सेंचुरी फोर्टीन सेंचुरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्टीन फोर्टी थ्री से लेकर फोरटीन हंड्रेड के बीच का जो टाइम लाइन होता है वह चासर के नाम से जाना जाता है यानी थर्टीन फोर्टी थ्री टू फोर्टीन हंड्रेड के बीच का टाइम फोर्टीन सेंचुरी के लिए माना जाता है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फोर्टीन सेंचुरी होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ़ द फॉल्विंग पोएम्स ऑफ चासर इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश ऑप्शन ए दाउस ऑफ द बुक ऑफ द ड हाउस ऑफ द फेम द पार्लियामेंट ऑफ ऑल दी ट्रॉले ट्रॉयस एंड क्रेसीड इसका कौन सा आंसर सही होगा द फर्स्ट नावल इन इंग्लिश ऑफ चासर चासर की पहली नावल जो कि इंग्लिश में थी वो कौन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉयलस एंड क्रेसीड ट्रॉयस एंड क्रेसीड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएस ऑफ चासर इज अनफिनिस्ड option a, choice and cresy, the parliament of fowl, the legend of good women, the house of fame. correct answer is the legend of good Woman. next question. for the general idea of the canterbury tales, chaucer was indebted to. option a, petrarch, dante, boccaccio, virgil. Who, which option is correct? option c is correct. फॉर द जनरल आइडिया ऑफ हिस्स कैंटरबरी टेल्सर वॉज इंडेप्टेड टू बोकैशियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स वेयर डू द पिलग्रिम्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स मीट इन लंदन कैंटरबरी टेल्स के पिलग्रिम्स थे वो लंदन में कहा मिले थे ऑप्शन ए फ्लीट स्ट्रीट राबर्ड इन ग्रब स्ट्रीट लंदन स्ट्रीट आप जल्दी से इसका आंसर बताइए तबार्ड इन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टेल्स आर टू बी टोल्ड बाई ईच पिलग्रिम्स हाउ मेनी टोल्ड्स आर टू बी टोल्ड बाई ईच पिलग्रिम्स तो इसका आंसर होगा यहाँ पर फोर टेल्स यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए जो कि ज़रूरी है कि टू प्लस टू यानी कि टू स्टोरी जाते समय टू स्टोरी आते समय हैरी बेली जो कि वहाँ के हेड थे पिलगिरी के जो हेड बनाए गए थे उन्होंने कहा था कि टू स्टोरी अराइवल के टाइम टू डिपार्चर के टाइम दोनों टाइम में जो है दो दो स्टोरी चलानी है इसलिए फोर स्टोरी की बात हो गई थी अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या है द पिलग्रिम्स आर गोइंग टू विजिट द टॉम्ब अब इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सेंट जॉन थॉमस एक्वेंस सेंट मैरी या थॉमस ए बकेट ये चार ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि द पिलग्रिम्स आर गोइंग टू विजिट द टॉम्ब ऑफ किसके टॉम को विजिट करने जा रहे थे तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस ए बकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वेयर इज द टर्म्ब ऑफ सेंट सिचुएटेड सेंट का टॉम जो था वो कहां पर सिचुएटेड था क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है ऑप्शन ए स्टेड फोर्ड अपान वार्कविक शायर या कंटरबरी टेल्स इसका कौन सा ऑप्शन सही है वेयर इज द टर्म्ब ऑफ सेंट सिचुएटेड करेक्ट आंसर इज कैंटरबरी टेल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु नैरेट्स द फर्स्ट टेल इन चास्र्स कैंटरबरी टेल्स चासर की जो कैंटरबरी टेल है उस कंटरबरी टेल्स में किसने पहली कहानी को नैरेट किया था चलिए ऑप्शन ए देखते हैं द मर्चेंट चासर हिमसेल्फ द नाइट द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग बताइए द नाइट इज द राइट आंसर कौन सा राइट आंसर है दी नाइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन लास्ट टेल इन चार्सर कैंटरी टेल्स चार्सर के कैंटरी टेल्स में किसने लास्ट टेल कहा था ऑप्शन ए द मोंग ऑप्शन बी द पार्सन ऑप्शन सी द प्रायरे ऑप्शन डी द नन तो इसमें आपको बताना है कि सबसे लास्ट स्टोरी किसने कही थी द पार्सन इज द राइट आंसर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज कौन सी कहानी प्रोज में है चलिए ऑप्शन ए है पार्सन स्टेल ऑप्शन बी है द वाइफ ऑफ बाथ स्टेल द कुक स्टेल या द स्क्वायर स्टेल इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप बताएंगे जल्दी से करेक्ट ऑप्शन इज द पार्सन स्टेल यस पार्सन स्टाइल जो है वो कि प्रोज में है नेक्स्ट क्वेश्चन हु टेल्स द टेल ऑफ मेलीबेलस इन कैंटरबरी टेल्स कैंटरबरी टेल्स में मालिबिलस मालिबियस का मेलीबियस का uh, कहानी कौन सुनाता है ऑप्शन ए वाइफ ऑफ बाथ ऑप्शन बी चासर ऑप्शन सी द नन ऑप्शन डी द होस्ट तो इसमें आप बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है चासर इसमें करेक्ट ऑप्शन है चासर चासर जो है मेली बी का स्टोरी सुनाता है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चासर ट्रॉयलेस एंड क्रेसीड इज रिटेन चासर जैलेस एंड क्रेसीड इज रिटेन इन चासर का कैंटरबेरी टेल्स लिखा गया है हीरोइक कपलेट में क्वाट्रेन में ओटावा राइमा में या राइम रॉयल में इसका ऑप्शन आप जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन इज राइम रॉयल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट इज ऑप्शन ए द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ऑप्शन बी द हाउस ऑफ फेम ऑप्शन सी द पार्लियामेंट ऑफ फाउल और ऑप्शन डी द बुक ऑफ द डचेस करेक्ट आंसर कौन सा है इस इसका द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन यानी कि द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज हीरोइक कपलेट इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट

चार्स प्रोलॉग टू दी टेल्स देयर इंडीड इज गॉड्स प्लेन टी इसको किसने कहा था तो इसको बोला था ड्राइडन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द आथर ऑफ पीयर्स द प्लाउमैन इज पियर्स द प्लाउमैन के आथर कौन है ऑप्शन ए चासर गोवर गावर लैंगलैंड या लेस्गेट इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सा राइट ऑप्शन है तो पी एस द प्लाउ मैन किसने लिखा है विलियम लैंगलैंड ने जिसकी डेथ चासर के आ, मतलब चासर के ही समय में फोर्टीन हंड्रेड में चासर भी और लैंगलैंड की दोनों की डेथ हुई थी एक ही साल के अंदर अंदर वीच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड चासर डेडिकेटेड टू गावर अब इसमें यह बताना है कि गावर को डेडिकेट करके इन्होंने कौन सा पोएम लिखा था द हाउस ऑफ फेम द लिजेंड ऑफ गुड वुमेन द कैंटरबरी टेल्स या ट्रायलस एंड क्रेसीड इसमें से कौन सा इन्होंने लिखा था गावर को डेडिकेट करके तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रायलस एंड क्रेसीड करेक्ट आंसर क्या है ट्रायलस एंड क्रेसीड चलिए नेक्स्ट चलते हैं नाइनटींथ क्वेश्चन पे गावर रोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स गावर रोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑप्शन ए स्पैकुलडीटेंटिस कॉन्फेसुमांटिस वोक्स क्लाइमेंटिस या किंग ब्रूस गावर रोट इन इन इंग्लिश गावर रोट इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स गावर ने कौन सी पोएम इंग्लिश में लिखी थी नाइनटीन्थ ऑप्शन है स्पेक्लोमेडिटेंटिस कॉन्फेसियो एमांटिस वोक्स क्लाइमेंटिस तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी कॉन्फेशमांटिस इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी पे विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ गावर इज इन फ्रेंच अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पेकुलोमेडिटेंटिस कॉन्फेसियो एमांटिस वोक्स क्लाइमेंटिस और किंग्स ब्रूस इसमें से कौन सा फ्रेंच में लिखा गया था तो फ्रेंच में लिखा जाने वाला कौन सा था ऑप्शन ए स्पेकुलम मेडिटेंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ गावर इज इन लैटिन लैटिन में गावर का कौन सा पोएम था वोक्स क्लेमेंटिस वोक्स क्लेमेंटिस इन लैटिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फॉलोइंग इज कार्ड फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इनमें से किसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है बेकन सर मूर को, को यार्ड को या वेकलिफ को करेक्ट ऑप्शन इज डी वेकलिफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हु एमंग द फॉलोइ इस कार्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन याद रहे रिफॉर्मेशन है रेनेशा नहीं है हु एमंग द फॉलोविंग द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेस ऑप्शन है लूथर जॉन वेक्लिफ कैलविन या बेकन जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा वाइक्लिफ यानी कि वैक्लिफ जो थे वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेस के नाम से भी जाने जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टू होम इज जनरली एट्रीब्यूटेड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल टू होम इज जनरली एट्रीब्यूटेड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वैक्लिफ याट किंग जेम्स या मिल्टन करेक्ट आंसर इज वैक्लिफ वैक्लिफ इज द करेक्ट आंसर मोर्टेड आर्थर वॉज पब्लिश्ड इन मोर्टेड आर्थर वॉज पब्लिश इन किस ईयर में पब्लिश हुआ था थर्टीन सेवेंटी फाइव फोर्टीन एटी फाइव फोर्टीन फोर्टी या फोर्टी फिफ्टीन ओ फाइव ऑप्शन बी इज करेक्ट फोर्टीन एट्टी फाइव मोर्टेड आर्थर वॉज पब्लिश इन फोर्टीन एट्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द आथर ऑफ मोर्टेड आर्थर मोर्टेड आर्थर के आर्थर कौन है तो इसमें चासर, कैक्सटन, मूर या मालोरी सर थॉमस मालोरी इज दी राइट आंसर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ड्रीम एलेगरी वॉज अ पॉपुलर पोएटिक फॉर्म ऑफ द ड्रीम एलेगरी इसको बताइए रेनेशा मेडिवल पीरियड एंशियंट पीरियड या प्योरिटन एज करेक्ट आंसर इज मेडिवल पीरियड ड्रीम एलेगरी वॉज द पॉपुलर पोएटिक फॉर्म जो ड्रीम एलेगरी है ये पोइटिक फॉर्म में पॉपुलर थी किस एज में मेडिवल पीरियड में अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट इसमें हम देखेंगे एमंग द स्कॉटिस चासरियंस द पोएट किंग वॉज एमंग स्कॉटिस चासरियंस द पोएट किंग वॉज ऑप्शन ये जेम्स सेकेंड रिचार्ड सेकेंड हैनरी फोर्थ या जेम्स फर्स्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट right है जल्दी से आप हमें बताएं जेम्स फर्स्ट इज द राइट आंसर कौन सा आंसर जेम्स फर्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन हु एमंग द हु एमंग द फॉलोइंग द चासरियंस हु एमंग द चासरियंस रोट आ सीक्वल टू ट्रायलस एंड क्रेसिड हु एमंग दासरियन रोट ए सीक्वल टू ट्रायलस एंड क्रेसिड ट्रायलस एंड क्रेसिड का सीक्वल इसमें से किसने लिखा था लिडसे डनबर हैं डगलस कौन इसमें से करेक्ट हैनरिसन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी द गोल्डन टार्ज वॉज रिटेन बाय नरीशन डगलस लेंडसे या डनबर किसने लिखा है करेक्ट आंसर इज डनबर द गोल्डन टार्च वॉज रिटेन बाई डनबर गोल्डन टार्च डनबर के द्वारा लिखा गया है थर्टी वन वाई कम ये नाथ टू कोट इज अ सेन वाई कम ये नाथ टू कोर्ट इज अ सेटायर ऑन होल्से क्रॉमवेल मूर सिडनी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन होल्से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ स्केल्टन इज नॉट अ सेटायर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ स्केल्टन इज नॉट अटायर स्पेक्पेरेट कॉलिन क्लाउड गार्लैंड ऑफ लॉरल वाई कैम यॉट टू कोट कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है गारलैंड ऑफ लॉरल क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ स्केल्टन इज नॉट से टायर गार्लैंड ऑफ लॉरल जो है वो सेटायर नहीं है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्केल्टनिक्स इज अ फॉर्म ऑफ स्केल्टनिक फॉर्म ऑफ स्टेंजा मीटर कंपेरिजन या कंसीट करेक्ट आंसर इज बी मीटर स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ पोएट लारीट जो टोटल पोएट लारीट हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में और पोएट लारीट्स के साथ जो जो बुकर अवार्डीज़ हैं बुकर अवार्डीज़ के बाद पुलजर अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया है इन सभी लोगों की लिस्ट लेकर आने वाला हूं लेकिन सबसे पहले ये सारी क्वेश्चंस करा देंगे बीच में कभी वो भी लेकर आएंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द आथर ऑफ द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस फॉल्स ऑफ प्रिंसेस के आथर कौन है फॉल्स ऑफ प्रिंसेस के ऑथर कौन है ऑप्शन ए हॉकलीव ऑप्शन बी ह्यूज ऑप्शन सी स्केल्टन ऑप्शन डी लिटगेट इन चारों में से कौन है ऑप्शन डी इज करेक्ट लिजगेट द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस किसने लिखा है लिजगेट का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर बार्कले इज नोन फॉर अलेक्जेंडर बार्कले किस चीज़ के लिए जाने जाते थे इसमें पहला Uh, पहला ऑप्शन है ए सीप ऑफ फूल्स बी फॉल्स ऑफ प्रिंसेस सी पैलेस ऑफ प्लेजर एंड द बुक ऑफ फेथ इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है द सिप ऑफ फूल्स एलेक्सेंडर बार्कले इज नोन फॉर सिप ऑफ फूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि हु ब्राड द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड मालोरी सर थॉमस मालोरी विलियम कैक्सटन अलेक्जेंडर बार्कले या Desiderius Erasmus, इन चारों में से कौन आ, प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में ले आता है बहुत इजी क्वेश्चन है विलियम कैक्सटन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन ए थर्टीन फोर्टी ऑप्शन बी फिफ्टीन ओ फाइव ऑप्शन सी 1422 या 1476 कौन सा आंसर राइट right है 1476 सेवेंटी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 सर थॉमस मूर रोट हिज यूटोपिया इन 1516 जो 1516 में सर थॉमस मूर ने अपनी यूटोपिया लिखी थी वो किस लैंग्वेज में थी आपको ये बताना है फ्रेंच में थी जर्मन में थी लैटिन में थी या इंग्लिश में थी करेक्ट ऑप्शन इज लैटिन लैटिन इज द करेक्ट आंसर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटोपियाज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन केम आउट इन यूटोपिया का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ जिसको राल्फ रॉबिन्सन ने लिखा था वो कब आया था 1551 में आया या फिफ्टीन फिफ्टीन में आया फिफ्टीन ओ फाइव में आया फिफ्टीन थर्टी फाइव में आया तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु द हिस्ट्री ऑफ रिचार्ड थर्ड हिस्ट्री ऑफ रिचार्ड थर्ड किसने लिखा था इसका कौन सा ऑप्शन सही है शेक्सपियर मूर मार्लो या स्पेंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन उप, कौन सा है हिस्ट्री ऑफ रिचार्ड थर्ड किसने लिखा है ऑप्शन बी इज राइट सर थॉमस मूर नेक्स्ट फोर्टी वन क्वेश्चन एवरी मैन इज नोन एवरी मैन इज वेल नोन मेडिवल ड्रामा बाय एवरी मैन किसने लिखा है चलिए ऑप्शन ए चासर ऑप्शन बी डनबर ऑप्शन सी गावर ऑप्शन डी अननोन आर्थर तो एवरी मैन के जो आर्थर हैं वो कौन है अननोन है गारबुटक इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी स्टेटेड। डेटेड गारबुटक जो है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है वो कब पब्लिश की गई थी या कब आई थी 1476 में 1505 में 1562 में 1550 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन सी इज करेक्ट गार्बोडक जो है फिफ्टीन सिक्सटी टू में आई थी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डोयस्टर इन फिफ्टीन फिफ्टी वन वो रिटेन बाय राल्फ रॉयस्टर डोएस्टर किसने लिखा था तो बहुत इजी है देख लीजिए ऑप्शन निकोलोसोदाल शेक्सपियर साइक्विल थॉमस साइक्विल साइक्विल एंड नार्टन किसने लिखा था करेक्ट ऑप्शन इज ए निकोलस उदाल निकोलस उदाल रॉल फ्रॉस्टर फिफ्टीन फिफ्टी वन ये कॉमेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसोन्स स्कूल ऑफ एब्यूज, 1579 प्रोवोक। गोसोन का स्कूल ऑफ एब्यूज जो कि फिफ्टीन सेवेंटी नाइन में है उसमें गोसोन्स के स्कूल ऑफ एब्यूज ने किसको प्रोवोक किया था शेक्सपियर सोनेट को सिडनी एपोलॉजी फॉर पोइट्री को ट्राइडेंस ये एन एस एन ड्रामेटिक पोइजी एन एस एफ ड्रामेटिक पोइजी या से रिटर्न के द स्कूल फॉर स्कैंडल इसमें फोर्टी फोर में कौन सा आंसर सही होगा सिडनीज़ इज फॉर पोइट्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द सेफर्ड कैलेंडर वॉज रिटेन बाई द चाशर दावर द स्पेंसर द शेक्सपियर इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इज स्पेंसर स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स स्पेंसर सेटारिकल पोएम इज स्पेंसर काल पोएम कौन सा है ऑप्शन फेरी क्वीन या प्रोथालमियन या मदर हबार्ड स्टेल इसमें से आपको बताना है कौन सा सेटारिकल पोएम है करेक्ट आंसर इज मदर हबार्ड स्टेल चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्पेंसर स्पेंसर्स सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन मैरिज इज दब्जेक्ट ऑफ स्पेंसर्स सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन मैरिज स्पेंसर के अपनी मैरिज के सेलिब्रेशन के लिए लिखा गया सेलिब्रेशन के लिखा गया के लिए लिखा गया कौन सा वर्क था एपी थला मियन फोर्टी एट द फेरी क्वीन इज एन एलिजोरिकल पोएम अ पोइटिक ड्रामा अ फेरी टेल ए ड्रीम एलिजरी इसमें से क्या है आप जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन ए इज करेक्ट एन एलिजोरिकल पोएम क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन हु इज द ओवरऑल हीरो ऑफ द फेरी क्वीन फेरी क्वीन का ओवरऑल हीरो कौन था ऑप्शन ए द रेड क्रॉस नाइट ऑप्शन ए द रेड क्रॉस नाइट द ग्यून प्रिंस आर्थर या आर्टिकल इसमें कौन है प्रिंस आर्थर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन है नाइन लाइन ऑप्शन बी इज करेक्ट तो स्टूडेंट अगर इसी तरीके के और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं तो लेकर आने वाला हूँ लगभग पाँच हज़ार से अधिक क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थैंक यू सो मच